अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तनवीर। हम नोबल मोबाइल अनबॉक्सिंग की तरफ से लेकर आके आए हैं आपके लिए एक नया फोन जिसको हम अनबॉक्स करेंगे। वो है फोन सैमसंग का A23 जो कि A32 के बाद नया फोन आया है। आपने पहले इससे पहले A32 देखा होगा फोन, इसको इसके बाद लॉन्च किया गया A23। ये फोन सेम लुक वाइज तो ऐसा ही है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की गई है। कैमरा वाइज उसका प्रोसेसर जो है इसको अपग्रेड किया गया है। तो गाइस ये कैसा फोन है, चलिए आज इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा फोन है। तो गैस आपका टाइम वेस्ट ना, इससे पहले ही हमने इसको अनबॉक्स किया हुआ है, ओपन किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फोन की लुक आपको दिखाते हैं, इसमें एक चीज दी गई है, उससे पहले चेसिस देख लेते हैं क्या है इसमें। तो गैस चार्जर दिया गया है इसमें, इसका जो चार्जर है वो 25 वाट का फास्ट चार्जर है। और इसके अलावा इसमें टाइप सी हैंड फ्री दी गई है, तो गैस वो भी देख लेते हैं। ये देखिए ये 25 वाट का जो फास्ट चार्जर है, इसके साथ ये हैंड फ्री है टाइप सी टेप, उसके साथ ये स्लॉट दी गई है सिम के लिए निकालने के लिए। तो हैंड फ्री तो नहीं है, हमने बॉक्स को ओपन किया है कि शायद इसमें हैंड फ्री निकला है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। चलिए गाइस फोन को करते हैं ओपन। के जी गाइस, तो ये फ़ोन है, हमने ब्लैक कलर इसमें ओपन किया है। इसमें चार कलर है, पीच कलर, सिल्वर, वाइट और ये ग्रे कलर, और हमने आपको ग्रे कलर आज ओपन करके दिखाया है। चले फ़ोन को गाइस ऑन करते हैं कि कैसा फ़ोन है। फ़ोन के बारे में आपको बताते हैं, पहले फ़ोन का सेटअप ऑन कर लें। लेंदी गाइस फ़ोन हो गया हमारा ऑन। गाइस लुक वाइज फ़ोन बहुत अच्छा है, A32 से अपडेटेड फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो इसका डिस्प्ले है वो उससे उसमें अमल डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया, इसमें इसका जो डिस्प्ले है वो दूसरा है। तो इसका टच फोकस तो बहुत ज़बरदस्त है, गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जो आप देख रहे हैं ये कैमरा लुक, इसमें जो कैमरा है इसका जो बैक कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके पास एक 2 मेगापिक्सल के 2 डेप्थ सेंसर दिए गए हैं और साथ में LED लाइट दी गई है। तो गाइस इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो जो इसका जो कैमरा है वो वीडियो HDR कैमरा 1080p 30fps पे वीडियो बना सकता है, और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, वो भी 1080p पे वीडियो बना सकता है। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, फ़ोन की स्पीड आपको चेक करवाते हैं और बाकी फीचर आपको इसके साथ साथ बताते हैं। तो गाइज ये फ़ोन की लुक है, देख लें प्यारा है फ़ोन, A32 से लुक तो बहुत प्यारी है। तो बाकी इसके फीचर चेक करते हैं कैसे फीचर है। तो गाइज सबसे पहले आपको बताते हैं इसका जो एंड्रॉयड है वो 12 है, जो इसका एंड्रॉयड है वो 12 दिया गया है। कैमरा हमने आपको बताया है, कैमरा आपको रिजल्ट भी इसका चेक करा देते हैं कि 50 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो कैसा है। ये गाइस कैमरा है, कैमरे का रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है जी, चेक कर लें। इसमें जो 10x का जो जूम लगा हुआ है, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड भी इसका है, पोर्ट्रेट मोड जी चेक करें आप। उसके बाद अगर आपने इसका प्रो कैमरा यूज़ करते हैं तो वो इस फंक्शन से करेंगे। नाइट मोड भी अच्छा है, नाइट मोड भी आपको चेक करवा देते हैं कि नाइट मोड कैसा है इसका। ये गाइस नाइट मोड है इसका जी, ज़बरदस्त, ये चेक करें। उसके बाद गाइस इसमें स्लो मोशन भी है, ये देखें ये स्लोमो भी इसमें है। तो ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद इसका जो फिंगरप्रिंट है वो साइड फिंगरप्रिंट है, जो A32 का जो फिंगरप्रिंट था वो डिन डिस्प्ले है, ये इसका साइड फिंगर है। तो हमने बताया था कि आप इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 12 है। उसके बाद ये चेक कर लें आप, स्पीड वाइज तो फ़ोन ज़बरदस्त है। इसका जो ये वरीट है, ये 6GB रैम में है और 128GB इसकी रोम है। उसके बाद जो इसका वेट है वो 195 ग्राम है, और जो इसका फ्रेम साइज है वो 8.4mm है। तो ये डुअल सिम है, चलिए इसकी स्लॉट भी चेक कर लेते हैं कि डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड है या फिर वन सिम वन मेमोरी कार्ड या फिर टू सिम है, चेक कर लेते हैं इसको इसकी स्लॉट ओपन करके। चलिए गाइस ये स्लॉट हो गई ओपन।
जी ये डुअल सिम है और प्लस मेमोरी कार्ड है, जो इसका मेमोरी कार्ड है वो 1 TB सपोर्ट कर सकता है, यानी आप 1000 GB का इसमें कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत आजकल वैसे भी डुअल सिम ज़रूरत है, तो ये डुअल सिम है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें 3 कलर हैं, ब्लैक, वाइट, पीच और ब्लू। तो ये हमने ब्लैक कलर ओपन किया है, जिसकी हमने आपको रिव्यू दिखाया है, अनबॉक्सिंग की है जिसकी। तो इसका जो CPU ऑक्टा कोर है 265 गोल्ड के, इसमें जो प्रोसेसर CPU लगा हुआ है। उसके बाद इसका जो कॉलम कोन है, इसमें स्नैपड्रैगन 684G 6nm लगा हुआ है। तो प्रोसेसर इसका ज़बरदस्त है, ये देखें। तो उसके बाद जो इसका GPU Adreno 610 लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी PSL LCD कैपेसिटी, टच स्क्रीन, 16 mm कलर इसमें यूज़ की गई है। जो इसका साइज़ है स्क्रीन का 6.6 inches है। तो इसमें जो रेजोल्यूशन है वो 1080p की है। जो इसका गोरिल्ला है वो गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। इसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 60Hz है। तो 6GB रैम और 128GB बिल्ट इन है, तो ज़बरदस्त चीज़ है ये। उसके अलावा आपको बाकी फीचर भी इसके बताएंगे, पहले हम इसका कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बना के चेक करते हैं कैसा रिजल्ट है। जी का ये कैमरा ऑन हो गया, तो ये हमने इसे पिक बनाई है, चेक कराते हैं आपको कैसा रिजल्ट है। जी का रिजल्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, फ़ोन की लुक वाइज भी बहुत प्यारा है। उसके बाद इसमें जो एक दो चेंजें की गई है, इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन, इसको अपग्रेड किया गया है। तो जो उसका फिंगर है उसका डिस्प्ले में था, इस पर साइड पे है। तो आजकल ज़्यादा फ़ोन में ये जो फिंगर है वो साइड पे आ रहे हैं। तो इसका जो इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh है, तकरीबन 1.5 दिन आपकी चल जाएगी। 25W का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो मैंने पहले भी इसको बताया। इसका जो गोरिल्ला ग्लास है वो 5 है, 5 ग्रीला का, इसको रनीला दिया गया है। इसमें प्लास्टिक का फ्रेम है, बैक भी फ्रेम जो है वो प्लास्टिक की है। लुक वाइज शाइनिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। 5000 इसकी MAH बैटरी है। इसकी जो प्राइस है वो 48500 लार्ज की गई है। तो अभी तो 832 की प्राइस भी तकरीबन 47000 हो चुकी है। तो तकरीबन मैं ये कहूँगा कि फ़ोन तो नया ही मॉडल लेना चाहिए। बाकी आपने 832 भी देखा है, ये फ़ोन भी हमने आपको दिखा दिया है। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फ़ोन अच्छा और कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हमने आपको बता दी हैं, स्पीकर वगैरह भी आपको दिखा देते हैं। इसका ये स्पीकर है, ये टाइप सी चार्जिंग है। उसके बाद ये गोल जैक जो इसमें हैंड फ्री जैक दिया गया है। तो ये जो इसका जो चार्जर है 25W फास्ट चार्जर है। तो वो अडाप्टर भी हमने शुरू में आपको दिखा दिया था। तो उसके बाद जो इसका फिंगरप्रिंट साइड पे दिया गया है, साइड पे फिंगरप्रिंट आजकल लोग लाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी इसको साइड पे ही डाल रही हैं। तो गाइज हमने आपको इस फ़ोन का फुल रिव्यू दिखा दिया है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ताकि हम हमेशा आपको फ़ोन की वीडियो दिखाएंगे। हमारी शॉप भी है, हमें पता होता है किस फ़ोन की रीसेल वैल्यू किस हिसाब से जा रही है। तो इस बारे में हम आपको बता देते हैं, ताकि आप जब फ़ोन लें तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो। 832 जो फ़ोन है वो अगर इसके बारे में कंपैरिजन किया जाए तो वो भी फ़ोन ज़बरदस्त है, ये भी फ़ोन अच्छा है। तो हमारा काम था बताना। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो उससे कम है। जो डिस्प्ले में वो फ़ोन ज़बरदस्त है, उसका AMOLED डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले AMOLED नहीं है। तो उसके बाद जो फिंगर है उसका डिस्प्ले था, रैम स्पेसिफिकेशन सेम है, स्नैपड्रैगन इसका प्रोसेसर जो बहुत अच्छा है उसके नसीबे इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, और जो गेमिंग के लिए ये फ़ोन उससे ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। तो बाकी गाइस आपने खुद डिसाइड करना है कौन सा फ़ोन लेना है, लेकिन हमें भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। ओके जी, इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। खुदा हाफिज़।